पंजाब दी वित्तीय स्थिति नूं लै के कैग ने जो अंदाजा साल 2015-16 दी अपनी रिपोर्ट विच पेश कीता है, उस दा नतीजा एह है कि सूबे विच मौजूदा हालात ना सुधरे तां सूबे दे नागरिकां दीआं पीढ़ियां दहाकियां तक कर्ज भुगतान करदीआं रहणगीआं। बुधवार नूं चंडीगढ़ स्थित आडिट भवन विच पंजाब दे अकाउंटेंट जनरल जगवंश सिंह ने पत्रकारां नूं आडिट रिपोर्ट दी जानकारी दित्ती। इस रिपोर्ट विच कई फर्जीवाड़ियां दा भी खुलासा होया। इस विच दस्या गया है कि पंजाब विच पिछली सरकार ने विश्व कबड्डी कप करवाया, जिस विच बोग्स बिलां ते भी अदायगी कर दित्ती गई। रिपोर्ट विच एह भी सामने आया कि जेड़े बसां दे नंबर दित्ते गए ने ओह स्कूटर, मोटरसाइकिल ते ट्रक दे निकले। कैग दी रिपोर्ट विच खुलासा होया कि 2011 दे विश्व कबड्डी कप विच 1,68,00,000 दी अदायगी बोग्स बिलां उत्ते कीती गई ते बिजली विभाग विच भी कई बेनियमां पाईआं गईआं ने। जो पावर परचेज करती है PSPCL बाहर से, और जो आजकल बड़ा खबरों में भी है, उस पर भी हमने एक स्टडी की थी, और वो हमने पिछले साल भी एक छोटा सा पैरा उस पर छापा था और उसी को लेके हमने उसको आगे बढ़ाया है। और उससे ये पता लगता है कि जहाँ पर पंजाब के जो अपने जनरेटिंग स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वो बंद पड़े थे, पंजाब बाहर से हायर कॉस्ट पे बिजली खरीद रहा था, क्योंकि हमने पिछले सालों में लॉन्ग टर्म PPAs कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स पंजाब सरकार ने कर रखे हैं, जो इनको अगर वो वहाँ से पावर नहीं उठाते हैं, हम वहाँ से पावर नहीं लेते हैं, तो हमें उनको फिक्स चार्ज फिर भी देना पड़ता है। तो इसलिए बिकॉज हमें वहाँ से एक तरह से मैंडेटरी है या इनकम्बेंट हो गया है कि वहाँ से पावर लें, हम अपने प्लांट्स को बंद करके बैठे। अभी जैसे थर्मल रोपड़ का थर्मल प्लांट बंद था, गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा का आज भी बंद पड़ा है इसी वजह से। सो उस पे पॉइंट्स हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि कई बार जब बाहर से भी खरीदी है पावर, तो इन PSPCL के ऑप्शंस थी कि वो चीपर पावर ले सके, लेकिन वो भी नहीं उन्होंने ली और हायर कॉस्ट पे जो पावर है वो खरीदी है। तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं, डिटेल्स इनकी जो है वो सारी रिपोर्ट में है।